हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि आप अपने चैनल के लिए 3D में किस तरीका से आप एनिमेशन बना सकते हैं, या ये कह लीजिए कि आप किस तरीका से आप अपने चैनल के लिए इंट्रो बना सकते हैं, आउट्रो बना सकते हैं, या फिर आप YouTube चैनल का बैनर भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो YouTube चैनल के लिए किस तरीका से आप बैनर क्रिएट कर सकते हैं या आप इंट्रो किस तरीका से बना सकते हैं, आइए आज हम लोग वो सीखेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज जो वीडियो हम आप लोग को बताएंगे, जिस तरीका से लैपटॉप में हम बेहतर समझ के लिए यूज कर रहे हैं, आप ये मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, आप अपने क्रोम ब्राउजर के सर्च बार में आपको सर्च करना है पेनड्रॉइड। आप जब पेनड्रॉइड यहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको देखिए इस तरह का एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ फर्स्ट लिंक जो आपको दिख रहा है, शुरू में ही आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, देखिए ये पेनड्रॉइड का ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ओपन हो गया है। तो इस तरीका से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल जब कीजिएगा तो देखिए आपको इतना सारा यहाँ पर अभी मिल रहा है देखने के लिए। ये सभी जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये लेटेस्ट है। तो आपको अगर इसमें से कोई पसंद है तो आप इससे बना सकते हैं। अगर उससे पसंद नहीं है तो आपको यहाँ एक नीचे मोर क्रिएशन के ऊपर आप क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स या उसका इंट्रो या आउट्रो सब कुछ आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक यहाँ से इंट्रो क्रिएट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम लोग का ये वीडियो क्रिएट होगा। अगर आपका चैनल टेक्निकल बेस पर है या कॉमेडी के बेस पे है या किसी भी अदर गेमिंग को छोड़ के कोई सा भी अगर आपका चैनल है, तो आप वहां पर किस तरीके से आप बनाएंगे, उसके लिए आपको यहां सर्च बार में माय नेम लिखना है। जैसे ही माय नेम आप यहां पर टाइप कीजिएगा तो आपको देखिए इस तरह से एक बहुत सारा आपको पेज देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारा आपको वीडियो यहां पर मिल जाएगा आउट्रो बनाने के लिए, इंट्रो बनाने के लिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं बहुत सारा आपको मिल गया। अगर मान लीजिए कि आपका चैनल गेमिंग का है, आप गेमिंग के लिए गन वाला इंट्रो अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ सर्च बार में गन लिखना है। जैसे ही गन लिख के आप सर्च कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पर कितना सारा आपको मिल जाएगा गन से रिलेटेड। देखिए आपको यहाँ पर मिल रहा है 1, 2, 3, यहाँ पे बहुत सारा आपको इस तरह से मिल जाएगा देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए हम ये वाला देख लेते हैं किस तरीका से है। तो देखिए जैसे ही आप एक वीडियो के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको उसके नीचे बहुत सारा मिल जाएगा देखने के लिए। अगर आपको वो पसंद नहीं आया, इसमें से कोई सा भी पसंद आ रहा, तो आप कोई सा भी आप इससे बना सकते हैं। यहाँ से अभी हम आउट्रो और इंट्रो बनाने के लिए सीख रहे हैं, और ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आपको बताएंगे कि आप अपने गेमिंग चैनल के लिए किस तरह से बैनर बना सकते हैं, या आपका किसी भी कैटेगरी में चैनल है तो आप किस तरह से बैनर बना सकते हैं। जब आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाए तो आपको यहाँ ओपन इन क्लिक मार्क टू के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए एक दूसरे पेज ओपन हो जाएगा। जब दूसरा पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको एक लोडिंग का थोड़ा देर का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद आपको एक नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो इंट्रो है वो लोडिंग प्रोसेस खत्म हो गया है। आपको यहाँ पर एक आई बटन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको प्ले करके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमको किस तरीके से इसको बनाना है, इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का एक आपको बॉक्स दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा आपको देखिए यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करके देख लेना है कि कहाँ पर जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है। जहाँ पर टेक्स्ट लिखा है आपको वहीं पर अपना जो भी आपको लिखना है, चैनल का नाम लिखना है या अपना नाम लिखना है, जो भी लिखना है वो आपको वहीं पर लिखना होगा। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट आपको डबल दिखने के लिए मिल रहा है, एक ऊपर एक नीचे है। तो यहाँ पर हम जो है नेम को इरेज कर देते हैं और यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर RK गेमिंग हम लिख देते हैं, और यहाँ RK गेमिंग लिखने के बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंटर पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको भी इरेज करके सेम जिस तरह से आप ऊपर में लिखे हैं उसी तरीके से आपको नीचे भी लिखना है। तो यहाँ पर भी RK गेमिंग हम लिख देते हैं। लिखने के बाद फिर से आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एंटर के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए दोनों टेक्स्ट के ऊपर आप RK गेमिंग लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पर हम यहाँ पे इसको प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन लुक के साथ आपको एनिमेशन और बहुत सारे इफेक्ट के साथ आपको देखने के लिए मिला। सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टेक्स्ट खोजना है, वहाँ पे नाम लिखना है, और आपका आउट्रो या इंट्रो जो भी आप बनाना चाहते हैं
वो बनके तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरह से आपको इंट्रो देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं एक डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप यहाँ से मोड आप इसका चेंज कर सकते हैं, फास्टर रेंडर, बैलेंस, गुड क्वालिटी, एक्स्ट्रा क्वालिटी, स्लो, इस तरीका से आप जो भी अच्छा लगे वो आप इससे कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया है कि आप बैलेंस में कीजिए, गुड क्वालिटी में करने के पे क्या होता है कि वो रेंडरिंग होने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपके पास समय है तो आप उसके लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर गुड क्वालिटी ही कर लेते हैं। गुड क्वालिटी करने के बाद स्टार रेंडर पे क्लिक करते हैं और ये वीडियो को फिर से मिक्सिंग करेगा, आपके वीडियो को इंट्रो को बनाएगा और वीडियो बनाने के बाद आपको ये डाउनलोड करने का एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। तो कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ वेट कर लेते हैं, कैलकुलेटिंग कर रहा है। कैलकुलेटिंग करने के बाद ये वीडियो आपका रेंडर करेगा, रेंडर करने के बाद ये आपके वीडियो को शो ऑन करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ ए फ्यू सेकंड लिखा हुआ है और अब वीडियो हम लोग का जो है रेंडर हो गया है। तो जब वीडियो रेंडर हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए डाउनलोड योर वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। तो जिस तरीका से यहाँ लैपटॉप में आपको स्क्रीन पे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, उसी तरीका से आपको मोबाइल में भी इसी तरीका का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा, सिर्फ उसमें स्क्रीन का छोटा बड़ा होना रहेगा और उससे कुछ ज्यादा चेंजिंग नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो डाउनलोड हो गया। तो चलिए उसको प्ले करके एक बार देख लेते हैं किस तरीका से ये देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम साउंड को म्यूट कर दिए हैं यहाँ पे, तो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। आरके गेमिंग देखिए लिखा हुआ है और इस तरह से एनिमेशन होकर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो हम लोग का गेमिंग चैनल के लिए इंट्रो बन गया। अब मान लीजिए आपका चैनल टेक्निकल बेस पर है, टेक्निकल चैनल आप बनाए हैं, तो आप उसके लिए इंट्रो किस तरीका से बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना है टेक्निकल। हम यहाँ पर टेक्निकल सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप टेक्निकल लिख के सर्च कीजिएगा, देखिए आपको इस तरह से बहुत सारा आपको इंट्रो देखने के लिए मिलेगा। आपको इसमें से जो भी पसंद हो, आप जो भी बनाना चाहते हैं, आप सेम तरीका से ही बना सकते हैं। गेमिंग चैनल के लिए आप इंट्रो बनाए, उसी तरीका से आप टेक्निकल चैनल का भी इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको भी बनाने के लिए वही प्रोसेस रहेगा। आपको ओपन इन क्लिप मार्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका दूसरा एक इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको यहाँ पर लोडिंग का प्रोसेस होगा। तो लोडिंग प्रोसेस होने दे लेते हैं इसको। उसके बाद इसका जो आपको ऑप्शन सारा देखने के लिए मिलेगा, तो सेम प्रोसेस से ही ये वीडियो बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेस हो चुका है सक्सेसफुल। यहाँ पे आई बटन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमारे चैनल का इंट्रो बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से ये देखने के लिए मिलेगा। आपको ओपन इन क्लिप मार्क के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कीजिएगा लोडिंग का प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर से सेम प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो प्ले करके देख लिए, तो चलिए इस वीडियो को बनाते हैं, इस एनिमेशन को हम बनाते हैं। एनिमेशन बनाने के लिए फिर आपको यही बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो अपने टेक्निकल चैनल के लिए इंट्रो बनाने के लिए देखिए हम यहाँ पर इस वीडियो को बनाते हैं। टैग 5C आप सर्च कर लीजिएगा, आपको ये वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओपन इन क्लिप मार्क के ऊपर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए एक इंटरफेस देखने के लिए इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर लोडिंग का ऑप्शन हो सेम प्रोसेस के साथ। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट सर्च कर लेना है कि कहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, वहाँ पे हम लोग को लिख देना है अपने चैनल का नाम। और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने चैनल का नाम लिख दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं इफेक्ट टैग, यहाँ इफेक्ट ही लिख देते हैं और लिख के यहाँ पे एंटर कर देते हैं। फिर से आपको नीचे इफेक्ट लिख देना है क्योंकि डबल पैनल मिल रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ नीचे टैग नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे EFFECT इफेक्ट यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब नीचे वाले जो टेक्स्ट है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर हम टैग लिख देना है, तो आप जो भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पर टैग लिख देने के बाद एंटर बटन आपको क्लिक करना है। एंटर बटन क्लिक करके उसके बाद आप अपने वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपका इंट्रो बना है। यहाँ पर हम प्ले बटन पे आपको क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। प्ले कर लेने के बाद आपको डाउनलोड करना है सेम प्रोसेस से। तो यहाँ से डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है, गुड क्वालिटी पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, गुड स्टार्ट वीडियो रेंडर पे क्लिक करना है। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके वीडियो को डाउनलोड कर लेना। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना।